इस वक्त हम माता सुंदरी रोड पर मौजूद हैं। यहाँ पर जो अर्शी एनजीओ जो है, जो कढ़ाई बुनाई का काम, मेहंदी लगाना, मोबाइल और बहुत सारे काम लोगों को सिखाती है, उसकी तरफ से ये जो है लोगों में किटें बांटी जा रही हैं। भाई अंसार जो सीनियर कांग्रेसी लीडर हैं, यहाँ पर इनकी सरपरस्ती में बांटी जा रही है। भाई अंसार यहाँ मौजूद हैं और ये देख सकते हैं आप, सामान भी यहाँ पर मौजूद है और जिन लोगों को दी जाएगी इन्होंने बाकायदा भी इनसे जानेंगे किस तरह से देते हैं। सर आप ये बताएं किस तरह से देते हैं और किस किस को दे रहे हैं? ये ना जिन लोगों को ज़रूरतमंद लोग हैं झुग्गी झोंपड़ी में हमारे यहाँ, उन लोगों को दिया जा रहा है जो इसके जिनकी ज़रूरत है। एक एक आदमी को घर से ढूंढ करके लाया जाता है, जिनकी ज़रूरत है उन्हीं को दिया जा रहा है। और ये आशा के नाम से बहुत बड़ा काम कर रहे हैं ये लोग, पहले भी इन्होंने तकसीमात की है, अभी भी कर रहे हैं और आगे भी चलता रहेगा ये, समझे? जब जब जरूरत पड़ेगी जब जब करते रहेंगे इसको। अच्छा, ये रमजान के लिए में दी जाती है या और भी वैसे? नहीं, रमजान का कोई इससे वो नहीं है लेने देना, ये तो हमेशा करते रहते हैं। इन्होंने बहुत काम किया, अभी भी इन्होंने 600-700 पैकेट का देने का काम किया है अलग अलग टाइम में, समझे? डेढ़ महीने से बराबर तकसीम कर रहे हैं। अच्छा, आप इनसे जुड़े हुए हैं तो यहाँ का इनका कोई आया हुआ है या हमने? नहीं, यहाँ पे उनके यहाँ से कोई नहीं आया हुआ है, उन्होंने हमारी सरपरस्ती में ये काम दिया हुआ है। और इनके यहाँ से ट्यूशन सेंटर खुला हुआ है, 70 बच्चों को फ्री ट्यूशन पढ़ाते हैं ये, हर महीने उनकी देखभाली करते हैं, ना लंच में उनको बिस्कुट या फरूटी वगैरह देते हैं, उनका पढ़ाई का जो भी खर्चा होता है ये खुद उठाते हैं। अच्छा, देखिए ये आरसी जो बहुत बड़ी एनजीओ है, यहाँ पर इन्होंने बताया कि ये लोगों को यहाँ करते रहते हैं, कढ़ाई बुनाई का काम भी सिखाते हैं और यहाँ पर जो है लोग हैं जो जिन लोगों को जो गरीब हैं जिनको ये जानी चाहिए उन जिनको देते हैं, यहाँ पर ये लोग भी मौजूद हैं, ये राशन किटें मौजूद हैं और यहाँ पर ये कुछ लोग मौजूद हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे। यहाँ पर ये सीनियर जुबैर साहब मौजूद हैं, जुबैर अंसारी साहब से हम जानना चाहेंगे कि आप इस बारे में क्या कहते हैं, ये जो भाई अंसार खिदमत कर रहे हैं इस सिलसिले में आपका क्या कहना है? ये खिदमत खल्क है, कर रहे हैं भाई, बेसहारों को बने हुए अल्लाह ने सहारा बना रखा है, रोजगार दे रखा है, बाकी कोई देखने वाला नहीं, पुलिस तो डंडे पीट रही है उनको, सुरक्षित कर दिया मार मार के, कोई पुलिस ने जो है अपना कोई अधिकार नहीं दिखाया कि इंसानियत क्या चीज़ होती है, इंसानियत का क्या फर्ज है वो अदा नहीं करा। देखिए इनका ये कहना, जो लॉकडाउन हुआ है इसमें जो लोग परेशान है, खासकर मजदूर तबका जो डेली बेसिस के लोग हैं वो ज़्यादा परेशान है, उसी सिलसिले में कह रहे हैं कि जो सरकार को काम करना चाहिए वो एनजीओस कर रही हैं और इसी बारे में ये लोग सब आगे आए हुए हैं। आपको ये पर्ची बायन साहब ने दी है जी, जी, और भी पहले भी आपकी मदद करते जी, रहते हैं जी, बहुत मदद दीजिए, दीजिए घर के लिए पैसे भी दिए उन्होंने, दूध चाय के लिए। देखिए कितनी अच्छी बात है कि घर के खर्चे के लिए भी पैसे दे रहे हैं, वैसे भी दे रहे हैं। देखिए ये जो लोग यहाँ पर इधर पीछे हैं, गरीब गुरबा हैं, झोपड़पट्टी से लोग हैं, इन्होंने पर देखते हैं जो ज़रूरतमंद है उसको पर्ची देते हैं और पर्ची के साथ ये देखिए कितने आराम से ये बट रहा है। ये भाई अंसार खुद यहाँ मौजूद हैं, ये इनके साथ ये मौजूद हैं और सब ये अपना आराम से अपनी अपनी बारी से ये सब यहाँ पर उठा रहे हैं, आप देख सकते हैं। ये जो एनजीओज है ये लोगों की वैसे भी खिदमत करती रहती है, लोगों को काम सिखाती है, मोबाइल रिपेयरिंग का सिखाती है, कढ़ाई का काम सिखाती है और मेहंदी लगाने का काम सिखाती है, कटिंग का काम सिखाती है और लोगों को ये कुछ ना कुछ यहाँ पर इनके लिए करती रहती हैं। इनसे जब पूछे, क्योंकि ये लॉकडाउन का भी सिलसिला है और लॉकडाउन की वजह से जो लोग बहुत परेशान हैं उनके लिए ये बहुत कारगर साबित होगी, आप देख सकते हैं ये जो मज़दूर लोग हैं इसमें जो है उन्हीं के लिए दिया जा रहा है जो ज़रूरतमंद है उनको, आपने देख सकते हैं। कैमरा पर्सन मेहताब अहमद के साथ रामेश। सियासी तकदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।